हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 2% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 6.5%, 3 महीने में 43%, 6 महीने में 18% और 1 साल के अंदर 3% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं, स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में नीचे के एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 259 रुपीज। 259 रुपीज के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है 427 रुपीज। 427 रुपीज से इस स्टॉक में देखें तो अभी ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां से इस स्टॉक में आज के दिन एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 417 रुपीज, उसे इस प्राइस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। यहां से इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 415 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 440 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 410 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट 465 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।